हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ रेड वेलवेट मिनी कुकीज़ बिना अंडे के। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा 1 कप, ये रूम टेम्परेचर बटर लिया है मैंने 100 ग्राम्स, ये पिसी हुई चीनी या फिर कैस्टर शुगर आप ले सकते हैं 75 ग्राम्स, ये दूध लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, रेड फूड कलर 1 टीस्पून मैंने पाउडर में लिया है, आप चाहें तो रेड जेल कलर भी ले सकते हैं, कोको पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेड वेलवेट मिनी कुकीज़ बिना अंडे के। सबसे पहले मैं एक कप लूँगी, इसके अंदर हम मिल्क लेंगे, और इसमें मैं ऐड करूंगी रेड फूड कलर, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल लूंगी, इसमें हम लेंगे बटर और कैस्टर शुगर, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज होना हो जाना चाहिए और हमारा जो बटर है वो फ्लफी हो जाना चाहिए। ये देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है बटर का। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कलर मिक्स किया हुआ मिल्क और वनीला एसेंस। को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कलर आपको कितना रेड चाहिए आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, और भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं अगर लाइट है तो। अब हम लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए मैंने एक छन्नी ली है, इसमें मैं मैदा डालूंगी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड किया है, सबको छान लिया है। अब बटर के मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा अपना वेट अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। सारी मैदा को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक डो जैसा बना लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये डो हमारा बन गया है, मैंने यहाँ पर 1/4 कप चोको चिप्स ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, वैसे चोको चिप्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर ऐड करें। इसके लिए मैंने मेज़रमेंट के लिए ये 1 टेबल स्पून ली है, आप कोई भी एक स्पून ले सकते हैं। ये इसलिए लिए मैंने कि सारी कुकीज़ हमारी एक ही साइज़ की बनेंगी, मिनी बना रही हूँ मैं कुकीज़, तो इसलिए मैंने टेबल स्पून का मेज़रमेंट लिया है। इसमें इस तरह से सारे में डो को इस तरह से एक एक टेबल स्पून निकाल लूँगी। ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे डो को एक ही जैसे साइज में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इनके रोल बनाऊंगी, इस तरह से बॉल जैसा बना लेंगे हम, कुकी की शेप दे देंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी कुकी में क्रैक्स नहीं आने चाहिए। ये इस तरह से हम सारी कुकीज़ को तैयार कर लेंगे। मिनी कुकीज़ हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये सारी कुकीज़ मैंने तैयार कर ली हैं, अब मैं इन्हें 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो हाफ एन आवर के लिए रखें, जिससे कि बटर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए
15 मिनट्स में मैंने निकाल ली हैं, बटर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इनको बेकिंग ट्रे में थोड़े थोड़े गैप में इस तरह से लगा लेंगे। 180 डिग्री पर मैंने ओवन को प्रीहीट करने रख दिया है। अब हम अपनी कुकीज़ को बेक करेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कुकीज़ बन गई है, देखिए इनका टेक्सचर। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, कितने अच्छे क्रैक्स आए हैं। देखिए मैं एक कुकी को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।